ओके फाइन करती हूँ। क्या आपने कभी यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेज खोलने की सोची है? मैंने भी सोची थी और मैंने खोल लिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्राउन फिजियो। आई एम नेहा सिंह एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेकेंड ईयर बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी। सिंस लास्ट फ्यू वीक्स आई हैव बीन रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम माय फ्यू फॉलोअर्स दैट हाउ आई ग्रू ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैंने अपना माई ब्राउन फिजियो अकाउंट, जो कि एक फिजियोथेरेपी हब पेज एंड चैनल है, वो मैंने मिड नवंबर 2020 में खोला था एंड अभी मिड मई चल रहा है इन 2021। सो अभी एग्जैक्टली 6 महीने हो गए हैं मेरे अकाउंट एंड पेज को। मेरे यूट्यूब के चैनल पे 1.34 के सब्सक्राइबर है एंड इंस्टाग्राम पेज पे अराउंड 950 फॉलोअर्स है विद इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। देखो, तुम्हें यूट्यूब चैनल खोलने का और इंस्टाग्राम पेज बनाने का यूट्यूब पे ही बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तुम कोई भी वीडियो रेफर कर सकते हो। बट इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगी करके क्या, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ बिकमिंग अ क्रिएटर, सो तुम्हें क्या क्या डील करना पड़ेगा एंड इनिशियली तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। फर्स्टली, ये बहुत स्ट्रेसफुल एंड एग्जॉस्टिंग है टाइम टू टाइम पोस्ट करना एंड दैट टू एवरी डे। ये इवन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बार बार रीटेक लेना, तुम भूल जाते हो शूट करते करते, या फिर कुछ मिस्टेक हो जाती है, या फिर रिकॉर्ड ही नहीं हो पाता अच्छे से। इसका एक बेस्ट सॉल्यूशन है कि तुम पहले से ही स्क्रिप्ट डिसाइड कर लो एंड स्क्रिप्ट लिख लो ताकि रिकॉर्डिंग का प्रोसेस इजी हो जाए। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू ऑल दिस। इवन ऐसा भी होता है करके तुम्हारा मेंटल हेल्थ एट एज आ जाता है एंड समटाइम्स यू डोंट इवन हैव कंटेंट टू मेक एनीथिंग। सेकेंड, नीश सोच लो, बी इट इन अ मेडिकल प्रोफेशन, बी इट इन अ फिटनेस और टीचिंग डांस और मेकिंग वीकली व्लॉग्स और डेली व्लॉग्स और एनीथिंग ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक एंड एक ही पे स्टिक रहो ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम तुम्हारे फेवर में वर्क करे। थर्ड, ये गलती मैंने की थी तो तुम ट्राई करना कि तुम ना करो। जैसे ही तुम यूट्यूब चैनल खोलो उसी दिन यूट्यूब चैनल की सारी सेटिंग्स कर देना एंड इवन यूट्यूब के बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना, उसके इंट्रो के बारे में, आउट्रो, टैग्स, कीवर्ड्स, देन फिर उसके टाइटल और थंबनेल्स कैसे करना है, क्या करना है उस रिलेटेड। फोर्थ, अब वीडियो बनाने की बारी। इनिशियली तुम्हें कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही माइक ना ही रिंग लाइट। अगर तुम्हारे पास फोन, ट्राइपॉड या फिर सेल्फी स्टिक है तो इट्स मोर देन इनफ। सेल्फी स्टिक है, ट्राइपॉड नहीं, तो आई वुड सजेस्ट करके क्या, 1 महीना तो सेल्फी स्टिक के यूज से ही बना लो इफ पॉसिबल, ताकि वो 1 महीने के ड्यूरेशन में तुम्हें ये भी पता चल जाएगा करके क्या तुम्हें ये चीज कंटिन्यू करना है या फिर नहीं। हमेशा लाइट के ऑपोजिट बैठ के बनाना ताकि वीडियो ब्राइट रहे एंड बी लाउड ताकि ऑडियो क्लियर रहे तुम्हारा। मैंने खुद ने इनिशियल 5 वीडियो सेल्फी स्टिक के मदद से बनाया था, देन आफ्टर अ मंथ आई बॉट ट्राइपॉड, देन अब मेरे चैनल को 6 महीने हो गए, देन आई बॉट दी माइक टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द वीडियो। वीडियो बन गई, अब एडिटिंग वाली पार्ट। मैं फिल्मोरा प्रो और इनशॉट के ऐप्स के मदद से एडिट करती हूँ। ये दोनों ही ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर या फिर ऐप यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, बट इनिशियली ये दो ऐप अच्छी है बिकॉज इट्स वेरी इजी टू यूज़, तो फिर आपको ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगेंगे एंड इजिली एडिट भी हो जाएगा वीडियो अच्छी तरीके से। वीडियो एडिटिंग करके हो गया, वीडियो यूट्यूब चैनल पर डाल भी दिया। अब 0 सब्सक्राइबर्स और 0 फॉलोअर्स में व्यूज़ कहाँ से आएंगे? तो इनिशियली मैं तुम्हें बोलूँगी करके क्या, अपने व्हाट्सएप पे अपने यूट्यूब वीडियोस की लिंक्स और अपने चैनल की लिंक अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स को स्पैम कर दो, एटलीस्ट इनिशियली फॉर 3 to 4 मंथ्स बस, ताकि तुम्हारे पास थोड़े सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ आ जाए। Guys, you won't believe what just happened right now. The part which I'm shooting right now, this is the 3rd time I'm reshooting because of shortage of space in my phone. It didn't record. And trust me, if you are thinking of becoming a creator, this gonna happen n number of time. Be it you are shooting a short video, be it you are shooting a long video of an hour, you are gonna lose the data. There will be time you gonna lose the whole data, even the edited one. So keep the backup. And it's a kind of frustrating sometimes, but
this is the part of a creator's life. Now back to the topic. जब nonsense views आने लगते हैं, तब dislikes and hate comments भी आना चालू हो जाता है. For this, I just wanna say that don't give a But हाँ, always reply to the sweet comments of your subscribers and answer to all your questions as this will help to increase the engagement of the video and reach out more audience. And lastly, I would say video banao and dalo because you love to make it and you love the process, not just that money-minded wala factor. Rest everything is fine. Know at what angle you should keep the camera, the lights, the sound quality. I'm also in the process of learning all these things. So yeah, if you do open the channel or page, let me know in the comment section down below and let me know what's your niche. And good luck for it. Bye bye, take care.